बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राशिद सलीम टेक यूट्यूब चैनल। आज हम चेंज करने लगे हैं रिक्लेमर के गाइड रोलर बैरिंग, सेंटर में स्क्रैपरों के लगे होते हैं। ये देखें, ये बैरिंग की हालत है, बैरिंग आ गई है इसमें, तो ये गाइड रेल को डैमेज करता है। अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसमेंट का तरीकाकार आपको बताते हैं और बैरिंग कौन सा है ये भी बताते हैं। हमारे पास न्यू बैरिंग है 3580 2RS, 35 इसका इनर है और 80 जो है वो आउटर है। 2RS का मतलब है ये इसमें शील्ड लगी हुई है प्लास्टिक की दोनों तरफ 2RS। अभी मैं इसको रिप्लेस करूंगा, क्या तरीका कार है रिप्लेस का गौर करें। सबसे पहले हमने कोई नरम चीज़ नीचे रखनी है या कोई वुड का पीस रख लें ताकि हमारा ये जो थ्रेड है ये डैमेज नहीं हो। इस पोजिशन में रखेंगे, उसके बाद हमने एक हालो पाइप लेना है, ये वाला हालो पाइप लेके इसको रखेंगे हम इस पोजीशन में, इसके ऊपर वर्टिकल पोजीशन में रखने के बाद हैमर के साथ चोट लगाएंगे। ये भी मैं इसकी जो है ना डिसमाउंटिंग कर रहा हूँ हैमर के साथ, हैमरिंग के साथ इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें, बैरिंग का आउटर निकल गया हमारे पास, ये बैरिंग का इनर था। अब हम इसकी ये जो लॉक नट है इसको खोल लेंगे और इसकी ये वाशर है इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद इसको आउटर को पकड़ के हमने निकाल लेना है। ये देखें, ये हालत थी इसकी, बेयर हो गया था, और ये इसकी बॉल है ये वाले, ये देख लें, ये इसका इनर का बुश है। अभी ये इनर है, इनर को निकालना है और ये जो 2RS वाली शील्ड थी इसकी बैक साइड वाली ये भी निकालनी है। ये नीचे एक वाशर दी होती है स्पोर्ट के लिए। निकालने के लिए हमने इसको लगाना है लॉक नट इस पोजीशन में, ये वाला एरिया लगाना। लग गया भाई, लग गया। इसके बाद दोबारा हम रखेंगे पाइप, पाइप रखने के बाद हैमरिंग करेंगे। ये देखें, फ्री हो गया, ये बुश इसका निकल गया। ये देखें, ये बैरिंग का इनर था, ये बैरिंग का इनर था। अभी हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह क्लीन करना है, अच्छी तरह साफ करके इसके ऊपर वाशर रखेंगे ये वाली, उसके बाद न्यू बैरिंग लगाएंगे। यार ये वाशर रिप्लेस कर देंगे, नई वाशर लगाएंगे। ये देखें ना, ये वेयर हो गया गाइड रेल के साथ टच होके। अभी इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है, इसको अच्छे से साफ करके। अगर इसकी शाफ्ट का साइज ज्यादा हो, टॉलरेंस इसकी बहुत कम हो, तो हमने एम्ब्री पेपर का यूज करना है। तो हमने लगानी है वाशर, वाशर के बाद हमने बैरिंग फिट कर देना है। इसका नंबर जिस तरह भी रख लें, कोई इशू नहीं है। ये लगा दिया बैरिंग, उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे वाशर। वाशर रखने के बाद ये वाला हालो पाइप है हमारे पास, इसको इसके ऊपर रख के हल्की हल्की हैमरिंग करेंगे। आउटर इसका गिर जाएगा क्योंकि इसमें इनर और आउटर के जो बॉल्स हैं ना, इनमें क्लियरेंस कुछ ज्यादा होती है। ठीक हो गया जी, ये है हमारे पास NU बैरिंग है, रोलर NU बैरिंग। ये देखें, चोट लगा रहा हूं मैं, ये देखें वो इसका आउटर गिर गया, अभी ये इनर जा रहा है। ये देखें, ये मूव भी कर रहा है बिल्कुल स्मूथ, कोई इसमें वो नहीं है। अब इसके ऊपर ये वाशर रखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जगह जहां पे इसको लगाना है। ये है हमारे पास स्क्रैपर, यहां से हम इसको डालेंगे। यहां से डालने के बाद यहां से हमने लॉक नट लगा देना है। ये वाला जो लॉक नट है ना, इसकी ये शैम्फर हुई जो साइड है ना,
वो अंदर वाली साइड पर रखते हैं और इसको टाइट कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।